वेलकम टू इको एग्जाम। इको एग्जाम मैं अमित लाल आप सबका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे केमिस्ट्री से 50 सवालों को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अगर आप हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो amitlal.in सर्च करके हमसे जुड़ सकते हैं, और ट्विटर पर हमसे जुड़ने के लिए amitlal_in सर्च करें, और टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए मैंने लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पर आपको सारे वीडियो का ऑडियो और पीडीएफ फाइल एक जगह मिल जाएंगे। क्विज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर को बताने के लिए मैंने आपको 5 सेकंड का समय देता हूं, जो कि आपके स्पीड को बनाए रखता है, और इस तरह से आपका एक छोटा सेल्फ टेस्ट हो जाएगा, जो कि बहुत जरूरी होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। तो चलिए क्विज को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है कौन? अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अम्ल सही हो जाएगा। तो यहाँ का शॉर्टकट एक मैं बताता हूँ, अनीला आप याद कर लीजिए, आपको ये चीज मतलब अ से अम्ल, नी से नीला, ला से लाल, ठीक है, तो आपको यहाँ से सब कुछ पता चल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य कौन होता है? तो प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य जो एक क्षार धातु होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एक क्षार धातु सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक मात्रा में समुद्र में पाया जाता है? तो मसोडियम सबसे अधिक मात्रा में समुद्र में पाया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी मसोडियम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो निम्नलिखित में से तांबा एक मिश्र धातु नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी तांबा सही हो जाएगा, बाकी पीतल स्टील जो है मिश्र धातु हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम जो है बेकिंग सोडा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बेकिंग सोडा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? रासायनिक दृष्टि से सिंदूर जो एक मर्क्यूरिक सल्फाइड है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए मर्क्यूरिक सल्फाइड से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा धातु है? तो सर्वाधिक हीन चालक धातु कौन सा, तो यहाँ पे शीशा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी शीशा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो स्टील में कार्बन का प्रतिशत 0.1 से लेकर के 1.5 होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 0.1 से 1.5 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है? भारत में प्रचुर मात्रा में नाभिकीय ईंधन जो है थोरियम है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी थोरियम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भस्मों का स्वाद होता है कैसा? भस्मों का स्वाद जो होता है खट्टा होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी खट्टा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में लोहा धातु होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लोहा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन है? आधुनिक आवर्त के नियम के प्रवर्तक जो है मोसले है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए मोसले सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः जो है शीशा बनता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी शीशा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? तो
तो निम्नलिखित में से समान अवस्था पर ताप पर ठोस में जो है आयोडीन पाया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आयोडीन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन ठोस नहीं है? इनमें से जो पारद एक ठोस नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पारद सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है? तो प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य जो होता है एक निष्क्रिय गैस होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एक निष्क्रिय गैस हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला अगर बात करें तो पहला जो क्षारीय होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, पीतल में कौन सी धातुएं होती है? पीतल में तांबा और जस्ता धातु होती है, तो यहाँ पर तांबा और जस्ता सही हो जाएगा। तो इसका एक मैं शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहा हूँ, तो पिताजी आप लोग याद कर लीजिए, आपको ये चीज़ पता हो जाएगा, ठीक है। पिताजी से मतलब पी से पीतल, ता से तांबा, ज से जस्ता, ठीक है। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति कारण होता है? आतिशबाजी में हरा रंग जो है बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बेरियम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रिया कौन सा पदार्थ है? हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील पदार्थ फ्लोरीन है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी फ्लोरीन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? निम्नलिखित में से जिंक ऑक्साइड जो है यशद पुष्प कहलाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जिंक ऑक्साइड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक अविषालु धातु प्रदूषक है? स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक अविषालु धातु प्रदूषक जो लेड है यानी शीशा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लेड या शीशा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? माणिक्य और नीलम जो है रासायनिक रूप से जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड के नाम से जाने जाते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व जो है ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? स्फटिक निम्नलिखित में से जो है सिलिका का क्रिस्टलीय रूप है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सिलिका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, ताप जिप्सम क्या है? ताप जिप्सम जो है एक चूना है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चूना सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक कौन सा है? निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक जो है पारद है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी पारद सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क जो है बॉक्साइड है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइड से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है?
फिटकरी गंदे पानी को जो है स्कंदन प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी स्कंद सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है। निम्नलिखित में से गैलियम धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए गैलियम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है। प्याज लहसुन में जो है पोटेशियम तत्व का जो है यहाँ पे गंध होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु जो है यूरेनियम है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यूरेनियम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक अवयव है, यह सर्वप्रथम डेवी ने कहा था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी डेवी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सीमेंट का मुख्य संघटक है। निम्नलिखित में से चूना पत्थर जो है सीमेंट का एक मुख्य संघटक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी चूना पत्थर सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35, जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन में मुक्त रहते क्या कहलाते हैं। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन में मुक्त होते हैं तो वो सामान्य लवण कहलाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सामान्य लवण से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, शुष्क सेल में विध्रुवक का कार्य कौन करता है। शुष्क सेल में विध्रुवक का कार्य जो है मैग्नीज डाइऑक्साइड करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी मैग्नीज डाइऑक्साइड से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। तो सबसे अधिक जो विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी फ्लोरीन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम सल्फेट से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ पर प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में सोना तांबा चांदी सभी के सभी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ए सभी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है। जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से सिल्वर नहीं होता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सिल्वर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा करती है। निम्नलिखित में से कैडमियम धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा करती है। तो यहाँ पे कैडमियम जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, भारी जल का अणु भार कितना होता है। भारी जल का अणु भार जो है 20 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम जो कैल्शियम कार्बोनेट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम कार्बोनेट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, मोती मुख्य रूप से बना होता है किसका। मोती मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम कार्बोनेट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, मानव निर्मित तत्व की पहचान कीजिए।
मानव निर्मित तत्व जो है कैलिफोर्नियम है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कैलिफोर्नियम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होते हैं, तो कितने होते हैं, एक होते हैं हाइड्रोजन का, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप लगा रहता है। ऑडियो और वीडियो टेप पर जो है आयरन ऑक्साइड रासायनिक पदार्थ का लेप लगा होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आयरन ऑक्साइड से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग करके किस गुण पर निर्भर करता है। हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग करके जो है अपवर्तनांक गुण पर निर्भर करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अपवर्तनांक से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है। कांच को गहरा नीला रंग जो है कोबाल्ट ऑक्साइड से मिलता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए कोबाल्ट ऑक्साइड से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है। तो निम्नलिखित में से जर्मन सिल्वर जो है एक रजत नहीं होता, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जर्मन सिल्वर से हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो क्यूज, आपको ये कैसा लगा और आपने 50 सवालों में से सही जवाब कितने का दिया, प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर अभी तक आपने हमारे इको एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। इको एग्जाम ऑलवेज विद यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।